हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेठा कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। तो आज मैं आपको पेठा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, थोड़ा प्रोसेस ज़रूर लेंदी है लेकिन आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। पेठा बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक विंटर मेलन लिया है, इसे एश गार्ड भी कहते हैं। तो इसका मैं आधा सफ़ेद पेठा बनाऊंगी और आधा अंगूरी पेठा। आप अंगूरी पेठा की रेसिपी दिए हुए लिंक में देख सकते हैं। और अब इसे मैं दो भाग में काट कर अलग कर लूँगी, यानी कि एक हिस्से का मैं अंगूरी पेठा बनाऊँगी और एक हिस्से का सफ़ेद पेठा। पेठा बनाने के लिए एकदम पका हुआ एश गार्ड लें, बिल्कुल इस तरह से। और अब इनके छोटे छोटे टुकड़े काट कर इनका जो बीच वाला नरम हिस्सा है, जैसा कि हम खरबूजे में देखते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है, उसे निकाल कर अलग कर लेना है। बीच में से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसका मैं पहले छिलका निकाल लूँगी। ध्यान रखें कि छिलके को भी अच्छी तरह उतार लें, इसमें छिलका का कोई भी हिस्सा रह न जाए। और अब छिलके के बाद ये जो बीच वाला नरम हिस्सा है, इसे मैं निकाल कर एकदम अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेठा को मैंने इस तरह से छोटे स्लाइसेस में काट कर तैयार कर लिया है। और अब इन स्लाइसेस को एक इंच के टुकड़ों में काट लूँगी। ध्यान रखें कि बीच में से जो नरम हिस्सा है, अगर वह थोड़ा सा भी आपको कहीं एक्स्ट्रा दिखे तो उसे भी काट कर आप साफ़ कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेठे के लिए मैंने पीसेस काट कर तैयार कर लिए हैं। इनको मैं एक फोक की सहायता से इस तरह से गोंद लूँगी, दो से तीन बार अच्छे से गोंद लें, ताकि चाशनी में पकाते समय इसमें चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, ये चीनी की चाशनी अच्छे से सोख ले। पेठा गोद कर हो जाए तो फिर एक चम्मच चूना, इस ग्लास के बोल में एक ग्लास पानी ले लिया है, उसमें डालकर अच्छे से घोल बनाकर और फिर उसमें और थोड़ा पानी मिलाकर करीब 12 से 14 घंटे के लिए पेठा को भिगोकर छोड़ देना है। चूना से पेठा थोड़ा सख्त होता है और चाशनी में पकाने पर वो बहुत ज़्यादा गलेंगे नहीं, बल्कि चाशनी को अच्छे से सोख कर काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें चाशनी। इसीलिए चूना के पानी में पेठा को भिगोकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर चूना के पानी में मैंने इसे भिगोकर रख दिया है। 12 से 14 घंटे बाद पेठा के पीसेस को चूना के पानी में से निकाल कर अलग कर लें और सादे पानी में करीब 4 से 5 बार, यानी कि हर बार पानी बदल बदल कर इसे अच्छे से धो लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेठा को मैंने धोकर तैयार कर लिया है। अब दूसरी तरफ मैंने एक बड़े भगोने में पानी उबलने के लिए रख दिया है। ढक्कन लगाकर उबाल लूँगी ताकि ये जल्दी उबल जाए। और फिर खौलते पानी में पेठा को डालकर करीब 20 से 25 मिनट के लिए पकाऊंगी, या जब तक कि वो थोड़े ट्रांसपेरेंट जैसे ना हो जाए तब तक उनको उबाल लेना है। बीच बीच में इसे एक कलछी की सहायता से चलाते रहें ताकि ये समान रूप से हर एक पीस इसका अच्छे से पक जाए। ये देखिए पानी अब उबलने लगा है। बीच बीच में इसे इसी तरह चलाकर पकाएं ताकि ये अच्छे से पक जाए। एक टूथपिक की सहायता से इसे गोद कर इस तरह से चेक कर लूँगी, जिससे कि पता चल जाएगा कि ये पके हैं कि नहीं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको मैं इस उबले हुए पानी में से निकाल कर एक भगोने में ले लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेठा के जो पीसेस हैं थोड़े ट्रांसपेरेंट जैसे हो गए हैं, तो इनको एक स्ट्रेनर की सहायता से इस तरह से निकाल लूँगी, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो आसानी से अलग हो जाए। इस भगोने में आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से पक गया है। ये पेठा करीब 1 किलो था, तो 500 ग्राम चीनी डालकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी, ताकि पेठा की नमी से और गर्माहट से चीनी एकदम से पिघल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी की चाशनी 2 से 3 घंटे बाद तैयार हो गई है। तो इसे मैं कढ़ाई में लेकर तब तक पकाऊँगी जब तक कि ये पूरा चीनी एकदम गाढ़ा ना हो जाए, उसका तार ना चढ़ जाए। और क्रिस्टलाइज होने के बाद आपने देखा होगा कि जो सफ़ेद पेठा होता है उसमें चीनी ऊपर से जम जाती है, बिल्कुल उसी तरह इसे पकाकर तैयार कर लेना है। आंच को मैंने
फिलहाल मीडियम रखा हुआ है और इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए पकाना है। फ्लेवर और एसेंस के लिए यहाँ पर मेरे पास केवरा एसेंस है, तो एक छोटा चम्मच केवरा एसेंस मैं चीनी की चाशनी में डाल दूंगी। ध्यान रखें कि पेठा के ऊपर इसे डायरेक्टली न डालें, तो इस तरह से जगह बनाकर चीनी की चाशनी में इसे डालकर चीनी की चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि हर पेठे में इसकी जो खुशबू है और जो फ्लेवर है अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसमें कोई अपने पसंद का रंग डालकर भी इसे थोड़ा सा कलर दे सकते हैं। तो जिस तरह से अंगूरी पेठा मैंने दूसरे वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसे ही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अंगूरी पेठा को पाक चढ़ने तक नहीं पकाया जाता है, बल्कि इस सफ़ेद पेठा को तब तक पकाते हैं जब तक कि चीनी जमने न लगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीनी का तार चढ़ रहा है, वैसे वैसे पेठे का रंग भी बदल रहा है और वो थोड़ा सफ़ेद होता जा रहा है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से इसे पका सकते हैं, जितना सख्त करना चाहें उतना सख्त करें। मैं इसे थोड़ा जूसी ही पसंद करती हूँ, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस चीनी जम कर पेठा के ऊपर से लिपट जाए तब तक ही इसे पकाऊंगी। आप कढ़ाही के साइड्स में देख सकते हैं कि चीनी जमने लगी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेठे का रंग बदलने लगा है, ये थोड़ा सफ़ेद होने लगा है। तो अब मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, कढ़ाही में ही छोड़ दूंगी थोड़े 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद पेठा के पीसेस को एक थाली पर फैलाकर करीब 24 घंटे के लिए पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि पेठा अच्छे से सूख जाएगा और उसके ऊपर आप सफ़ेद क्रिस्टल्स चीनी के देख सकते हैं। तो अब इसे मैं इस प्लेट में अच्छे से फैला लूँगी, एक एक पीस अलग अलग करके फैला लें। ये आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेट में मैंने इस तरह से फैला कर इसे तैयार कर लिया है। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि पेठे का रंग बदल गया है, थोड़ा सफ़ेद पड़ गया है। तो अब ये पेठा सर्व किए जाने के लिए तैयार है। ये कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।